हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन अयाज ऑटो कस्टम। और आज आपके लिए लेके आए हैं ब्रेज़ा 2020, जो कि हमारी जो गाड़ी होने वाली है फुल ऑन इंटीरियर मॉडिफाइड के ऊपर होने वाली है। और इसमें जो हमने काम किया है वो भी बताऊंगा, क्या क्या चीज़ हमने करी है। और एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि क्या चीज़ बेस्ट हो सकती है, क्या बेस्ट नहीं हो सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो बात करते हैं फ्रंट ऑफ डोर की। तो ये पहले हमने दिया था पियानो ब्लैक, ये वाला पियानो ब्लैक किया था और ये वाला वुडन फिनिश किया था। फिर हमने फिटिंग करके जब देखा तो ये थोड़ा सा ऑड लग रहा था, इसलिए हमने सारा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वुडन कर दिया, जो कि एक सिमेट्री बनती चली जा रही है यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। और ये जो हमारा लोअर पार्ट है, ये सारा जितना लोअर पार्ट ये हमने किया है ब्रिक रेड में लेदर कोटिंग के साथ में। और एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि जो ये लेदर कोटिंग होती है ज़्यादातर जितना भी होता है ना फिनिश जो होती है मैट फिनिश में होती है, अदरवाइज आफ्टर मार्केट लोग काम करवाते हैं, लोग पॉलिश लगा के दे देते हैं तो उससे ना वो फील ख़त्म हो जाती है, वो फील आती नहीं है। जो मैट फिनिश की जो मैट फिनिश वाली फील आती है उसमें लेदर की फील बिल्कुल मिलती है आपको, पॉलिश लगने से वो फील ख़त्म हो जाती है। बात करें डोर क्लॉथ की, तो ये डोर क्लॉथ हमने दिया हुआ है ब्लैक, और क्योंकि ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें हमने डायमंड कट डिज़ाइन डाले हुए हैं। और जो इसका थ्रेड हमने हाईलाइट किया ये हमने ब्रिक रेड का साथ में हाईलाइट किया। फिनिशिंग वर्क देख सकते हो, फिटिंग वर्क देख सकते हो, कहीं से आपको गैप्स होने को नहीं मिल रहा होगा। ये जो हमारे डोर की जो स्पीकर होते हैं इसको हमने एज इट इज़ छोड़ा ब्लैक, क्योंकि ज़्यादा अगर हम रेड कर देते तो थोड़ा सा और लगता, इसलिए थोड़ा सा हमने इसमें टिंट दिया है ब्लैक का। और ये जो अंदर का ये वाला भी पोर्शन है इसको भी हमने एज इट इज़ रखा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लेदर कोटिंग कर देंगे ना तो मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती, इसलिए ज़्यादातर हमारा पर्पस यही रहता है कि ज़्यादातर हम इसको एज इट इज़ रखें, ओरिजिनल ही रखें, ताकि मेंटेन। इसी वाले इवेंट की बात करें तो ये ब्लैक आता है, मैट ब्लैक आता है, इसको भी हमने हाई ग्लॉस वुडन फिनिश दिया हुआ है। ये अब सिल्वर वाला इस पर सिल्वर होके आता है, तो इसको भी हमने हाई ग्लॉस वुडन फिनिश में दिया हुआ। फिनिशिंग देख सकते हो, ग्लॉस इसका देख सकते हो, हाई ग्लॉस में किया आप इसकी शेड देख सकते हो, ये टोटली स्क्रैचलेस है। और ये अपना स्टीरियो पैनल की भी बात कर देते हैं, तो ये भी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अपना वुडन दिया हुआ है, वुडन फिनिश दिया हुआ है। क्वालिटी वर्क देख सकते हो, फिटिंग एंड फिनिशिंग देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं लोअर पीस की, तो लोअर पीस हमारा टोटली रहने वाला है ब्रिक रेड विद लेदर कोटिंग के साथ में। फिनिशिंग वर्क देख सकते हो, फिटिंग देख सकते हो, क्वालिटी वर्क देख सकते हो, क्वालिटी को हम मेंटेन करके रखते हैं। अंदर की बात करें तो अंदर हमने एज इट इज़ ब्लैक रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे यूजली ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए इसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हमने इसको ब्लैक कलर का रखा हुआ है। और अभी ए पिलर की बात करें तो ए पिलर भी हमारा रहने वाला है ब्रिक रेड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमने डैशबोर्ड चाहता तो हम करते, बट हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ से पूरा करते ना तो ये रेड कलर या कोई भी लाइट कलर अगर आप करवाते हो तो रात में ना ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्ट आके पड़ता है, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ रखा है। अदरवाइज़ आपकी चॉइस है, आपको करवाना चाहता है तो कोई बात नहीं, वो हम कर भी देंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल, कंसोल भी हमारा पूरा रहने वाला है ब्रिक रेड, इसके अंदर हमने ब्लैक नहीं छोड़े, एज कस्टमर चॉइस थी ये, मैंने भैया सर को समझाया था तो भैया ने बोले मेरे को पूरा कर दो, तो ओवरऑल अच्छा लुक लग रहा है, मेरे को भी देखने में वो काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। तो ये पूरा हमारा लेदर कोटिंग है, अंदर का हिस्सा हमने एज इट इज़ रखा है, वो ऐसे ब्लैक ही रखा है अंदर का हिस्सा, बाकी अंदर यहाँ भी हमने लेदर कोटिंग करी है अंदर तक, तो आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो। और ये जो हमारा गियर बूट है ये भी हमने ब्रिक रेड में तैयार किया है, डबल स्टिच से हाईलाइट किया हुआ है, जो अपना ब्रिक रेड है इसमें हमने थ्रेड दिया हुआ है। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टेयरिंग, स्टेयरिंग हमारी रहने वाली फुल ऑन ब्लैक, डायमंड कट डिज़ाइन डाले हुए हैं, ब्रिक रेड थ्रेड से हाईलाइट किया हुआ है। फिनिशिंग आप देख सकते हो जैसा ओरिजिनल कंपनी के साथ में दो कट देते हैं, यहाँ पे हमने दो कट डाले हुए हैं, आप देख सकते हो कहीं से आपको ऐसा फील नहीं हो रहा होगा, यह हमने रेडी करी है या अदरवाइज कंपनी से होके आई है, ये टोटली हमारी कस्टमाइज स्टेयरिंग होती है और इसको रेडी करने में 3 to 4 hours हमें लग जाते हैं। और हैंड हॉर्न पैड को हमने दिया हुआ है ब्रिक रेड में, ये बीच में हमने क्रोम को एज इट इज़ रखा हुआ है गेटअप के लिए। और ये साइड में जो हमने यहाँ पे ये मैट फिनिश में आता था इसको भी हमने हाई ग्लॉसी फिनिश में, हाई ग्लॉसी वुडन फिनिश में किया हुआ, साइड में हमने क्रोम एज इट इज़ रखा हुआ। आपको कैसा लग रहा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब बात करते हैं सीट कवर के, सीट कवर पे हमने जो फैब्रिक यूज़ किया वो नापा लेदर यूज़ किया हुआ है। हमारा जो फैब्रिक आता है इसमें हमारी 4 mm की कुशनिंग होके आती है,
और प्लस हम 10 mm की कुशनिंग एक्स्ट्रा करते हैं स्लीप वेल फॉर्म के साथ में। जो इसका हमने पैटर्न यूज़ किया है वो हम ओरिजिनल ही पैटर्न ज़्यादातर यूज़ करते हैं। साइड में हमने डायमंड डाले हुए हैं जो मैचिंग थ्रेड के साथ में हमने हाईलाइट किया हुआ है। इस साइड में भी हमने डायमंड डाले हुए मैचिंग थ्रेड के साइड में हाईलाइट किया। एक चीज़ और हमने ऐड ऑन करी है, ये हमने पाइपिंग ऐड ऑन करी है। हमने रिकमेंड किया था कि ब्लैक कलर की आप पाइपिंग करवा लो, बट उन्होंने बोला कि हमें रेड कलर की पाइपिंग चाहिए, तो हमने रेड कलर की पाइपिंग हाईलाइट करी हुई। यहाँ पे हमने डबल स्टिच से हाईलाइट किया हुआ है मैचिंग थ्रेड के साथ में। इसको हमने रोलिंग, उसको रोलिंग बोलते हैं। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कुशनिंग करी है, तो आपको जैसा देखने को शो हो रहा होगा आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पे आप इवन देख सकते हो कहीं से आपको रिंकल विंकल शो होने को नहीं मिल रहे होंगे। इधर बाइक की अपर की बात करें, अपर में भी आपको देखने को कहीं नहीं मिल रहा होगा, बिल्कुल रिंकल फ्री देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे हमने रोलिंग डाली हुई है, डबल स्टिच से हाईलाइट किया हुआ है, मैचिंग थ्रेड दिया हुआ है। साइड में हमने डायमंड का डिज़ाइन डाले हुए हैं, इस साइड भी हमने डायमंड का डिज़ाइन डाले। आपको एक चीज़ अलग सा लग रहा होगा, ये भाई अपना ब्लैक कलर का हमने इसमें हेडरेस्ट रेडी किया हुआ ऑन कस्टमर चॉइस। आपको इसमें हेडरेस्ट थोड़ा अलग सा लग रहा था, बट कस्टमर की चॉइस थी, तो उन्होंने भैया बोला कि ये हमारा ब्लैक करो। यहाँ पे हमने सिंगल स्टिच से हाईलाइट किया हुआ है अपना ब्रिक रेड थे के साथ में। फिनिशिंग में आप देख सकते हो कहीं से आपको रिंकल्स होने को नहीं मिल रहा होगा। आर्मरेस्ट हमारा रहने वाला है टोटली ब्रिक रेड में, डबल स्टिच से हाईलाइट किया हुआ है। आर्मरेस्ट की मैं अंदर की भी फिनिशिंग आपको चेकआउट करवा देता हूँ, एक बार चेकआउट करवा लें, कहीं से आपको ये नहीं होगा। अब मैं दिखाता हूँ सी प्लस, सी पिलर भी हमारा ब्रिक रेड रहने वाला है लेदर कोटिंग के साथ में। ये हमने एज इट इज छोड़ा क्योंकि ये खुलता नहीं है, अदरवाइज खुलता तो हम इसको कर देते, बट ये खुला नहीं तो इसको हमने एज इट इज रखा है। ये नहीं कि हम बोले हाँ ये हम कर देंगे या ऊपर से कर देंगे, अगर हम ऐसे ऊपर से कर भी देंगे तो कुछ दिन बाद इसका फिर पेंट निकलने लगेगा क्योंकि इस पर लेदर कोटिंग पॉसिबल नहीं हो सकती है बाहर, तो इसको हमने एज इट इज रखा है। बैक साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बैक साइड पूरा रहने वाला है ब्रिक रेड। ये जो हम इसकी पॉकेट है हम ओरिजिनल पॉकेट यूज़ करते हैं, इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है 4 mm की हमने कुशनिंग करी है। ये हम यहाँ पे पीछे आपको फ्लैप जो दिखा रहा हूँ ये हम एक्स्ट्रा लगाया अपनी तरफ से लगाया, क्योंकि पीछे अगर हम लगाते हैं इसमें कारपेट नहीं आता है, इसका एक प्लास्टिक आता है तो उसके साथ ये मोल्ड हो जाता है, ऐसे करके ऐसे कर्व में आ जाता है, तो इसमें आता था नहीं तो इसको हमने ऐसे ही लगा दिया है ताकि वो कवर हो जाए, उसे पीछे से वो कांटे या फॉर्म वगैरह ना दिखे। दिखाता हूँ बैक सीट भी हमारी रहने वाली, जैसे आगे की सीटें रिंकल फ्री वैसे पीछे की भी सीटें हमारी रिंकल फ्री रहने वाली हैं। यहाँ पर हमने रोलिंग दी हुई है, डबल स्टिच से हाईलाइट किया हुआ है मैचिंग थ्रेड के साथ में। यहाँ पे हमने डायमंड डिज़ाइन डाला हुआ है, आपको देखने को मिल रहा होगा कहीं से रिंकल देखने को नहीं मिला। साइड में हमने पाइपिंग डाली हुई है। सीटों को भी मैं दिखा देता हूँ, सीटों पे यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा थोड़ा कुशनिंग करी है जैसा आपको देखने को मिल रहा होगा। डबल स्टिच से इधर हाईलाइट किया हुआ है, रोलिंग आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पे आपको डायमंड देखने को मिल जाएगा। ये साइड में हमने पाइपिंग डाली हुई है। और इसका आर्मरेस्ट भी मैं दिखाता हूँ, आर्मरेस्ट भी हमने रेडी किया हुआ, आर्मरेस्ट भी आपको देख सकते हो, अंदर की फिनिशिंग देख सकते हो कहीं से आपको रिंकल्स नहीं होने को मिल रहा होगा, बिल्कुल एक्यूरेट फिनिशिंग के साथ में। यहाँ पे जो ग्लास होल्डर है यहाँ पे भी आपको फिनिशिंग देखने को मिल जा रही होगी। तो आपको कैसा लग रहा है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। ओवरऑल मैं आपको लुक चेकआउट करवा देता हूँ यहाँ से। तो बैक सीट के बैठ के कुछ ऐसा व्यू देखने को आपको मिल रहा होगा, ऐसा व्यू आने वाला है आगे का। अगर हमारा वक्त पसंद आया हो, हमारा काम पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।